हेलो एवरीवन वेलकम टू पवन वाग अकेडमी आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट चैप्टर नंबर एट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ठीक है तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा था कि कौन सी कौन सी सीरीज़ के एलिमेंट्स आते हैं सीरीज़ का नाम क्या क्या होता है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन क्या होता है कौन से कौन से एलिमेंट्स आते हैं उनका एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है एटॉमिक नंबर याद रखने का ट्रिक क्या है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखी थी उसी के साथ साथ मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में रूल ऑफ़ स्पेशल स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करवाया था उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस पार्ट के पहले अगर पार्ट वन इसी चैप्टर का नहीं देखा है मेरा वाला तो प्लीज़ उसको जाके एक बार देख लो क्योंकि उसमें रूल ऑफ़ स्पेशल स्टेबिलिटी मैंने कवर करवाया है और वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है उसके बिना आप लोग आज का क्लास पढ़ ही नहीं सकते अगर वो आपको नहीं आता है तो आपको आज के क्लास में पार्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है ठीक है वैसे तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराऊंगी कि आपको सभी कुछ आ जाए लेकिन अगर नहीं आता है तो एक बार जाके उसको देख लेना ठीक है तो चलिए जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट को अब सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन को थ्री सीरीज एलिमेंट का तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपका ले रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखती हूँ स टी व क्र मन फे को नी को जन ठीक है ये एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया बिल्कुल इस तरीके से आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से उसको अरेंज करके लिखेंगे और ये चीज अगर आ गई ना तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो भी आ जाएगा अब कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में डाला था कि मैम इस चैप्टर को लेने से पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर ले लो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला ले लो लेकिन वैसा नहीं कर सकते उसका रीज़न ये है इस चैप्टर में ये जो सारे के सारे आप लोग एलिमेंट्स पढ़ने वाले हो थ्री सीरीज़ के इनका यूज़ तो आपको उस चैप्टर में आने वाला है ना अगर ये ही नहीं मैंने पढ़ाया और डायरेक्टली वो चैप्टर को पढ़ा दिया तो फिर वो बेसिक्स नहीं आ पाएंगे ना आपको जो कॉन्फिग्रेशन से रिलेटेड है जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत काम का पार्ट है बहुत ज़्यादा ठीक है चलिए तो इसको बिल्कुल सिस्टमेटिकली लाइन वाइज ड्रॉ कर लेते हैं अभी चलिए ये तो हम लोगों ने कर लिया अब मैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से कर देती हूँ यहाँ पे ठीक है ये आपके एलिमेंट्स तो हो गए अब मुझे दो टाइप के कॉन्फिगेशन को स्टडी करना है सबसे पहला जो आपका कॉन्फिगेशन है जिसको मुझे स्टडी करना है वो है आपका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और सेकेंड है आपका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज़रा ध्यान देना अब आपको यहाँ पे सबसे काम की चीज़ मैं बता रही हूँ एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व क्या है सारे एक जैसी तो है लेकिन फॉर योर का इन्फॉर्मेशन ये दोनों एक जैसे नहीं है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन कम्पलीटली डिफरेंट है यहाँ से बहुत बार बोर्ड में एक पेपर एक क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताने वाली हूँ टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 इयर्स का पेपर एनालिसिस कर चुकी हूँ आपके लिए तो मुझे पता है कि कौन से सारे क्वेश्चन आए हैं और कौन से सारे क्वेश्चन आ सकते हैं ये मैंने एनालिसिस करके देख लिया ठीक है चलिए तो अब सबसे पहले जैसे कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन को लिखना है सबको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि स्कैंडियम का एटोमिक नंबर कितना होता है स्कैंडियम का एटोमिक नंबर होता है ट्वेंटी ये मैंने लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया था कि स्कैंडियम का ट्वेंटी होता है तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि ट्वेंटी के बाद क्या आता है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फ़ोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी ये आप सबको पता है कि ये एटॉमिक नंबर होता है अब इनको रट्टा नहीं मानना है सिर्फ आपको क्या याद रखना है ट्वेंटी वन फिर उसके बाद का तो सारा आप लोग ही लिख सकते हो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम ये एलिमेंट को तो याद रखने का आपने ट्रिक हमको बताया नहीं तो फर्स्ट वाला क्लास जाके देख लो वहाँ पे मैंने एक एकदम बढ़िया खतरनाक वाली ट्रिक बताई है जिससे सारे के सारे एलिमेंट्स आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं समझे या नहीं समझे चलिए भाई वो भी हो गया एटोमिक नंबर भी लिख दिया अब आगे की तरफ मूव करेंगे आगे का आपका जो पार्ट है वो ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स में आपको पता है कि आर्गन आता है अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये आर्गन कैसे आ रहा है तो एक बार फर्स्ट वाला क्लास जाके देखो वहाँ पे मैंने आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताया कि किस तरीके से थ्री सीरीज में हम लोग आर्गॉन को ही लेते किस तरीके से फोर सीरीज में हम लोग आर्गॉन के बाद वाला एलिमेंट लेते हैं वो सब मैंने आपको बढ़िया तरीके से चार्ट के फॉर्म में बताया है एक बार उसको जाके देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि थ्री सीरीज में आर्गॉन ही क्यों आता है ठीक है बस सबसे पहले इनको लिख देंगे सारे के सारे, के सारे केसेस में आप लोग भी लिखो और ऐसा मत सोचो कि वीडियो चालू है तो मैं लिखूंगा नहीं मेक अ हैबिट कि आप लोग रनिंग नोट्स बनाओ अगर रनिंग नोट्स नहीं बनाए ना तो एग्जाम के वक्त फिर से वीडियो देखना पड़ेगा और टाइम उतना वेस्ट होगा इसलिए नोट्स बनाते चलो कि एक बार वीडियो को देख लेना फिर हम लोगों को से नोट्स से हमारा काम हो जाए बस ठीक है हर तरफ हम लोग वैसे लिखेंगे आर्गन को ठीक है ये तो हो गया भाई हमारा अब मुझे आगे की तरफ बढ़ना है अब जो मेरा आगे का पार्ट है ना जो भी मेरा आगे का पार्ट है ना वो ये पार्ट कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी थ्री फिर लिखेंगे हम लोग फोर अब ऐसा क्यों हम लोग थ्री को पहले क्यों लिख रहे हैं फोर को बाद में क्यों लिख रहे हैं उसका रीज़न जो है वो ये है कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे वो सब मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे क्या रिमूव होंगे लेकिन ये जो होते हैं ना ये हम लोग बिल्कुल इसी फैशन में लिखते हैं ठीक है ठीके? उसका रीज़न मैं आपको भी बताती हूँ एक ट्रिक के फॉर्म में क्योंकि ट्रिक ऐसे ही केस में अप्लाई होगी अगर मैंने फोरेस को पहले लिख दिया ना तो अपनी ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगी ठीक है और लिखना भी आपको ऐसा ही ऐसा नहीं कि ट्रिक ऐसी आने वाली इसलिए मुझे ऐसा लिखना है आपको इसी फैशन में लिखना है पहले थ्री फिर क्या आएगा फिर फोरेस आएगा बाकी सब में आगे के पार्ट आपको सब पढ़ाने वाले बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं पहले थ्री और फोर को लिखते जाएंगे सभी केसेस में बस वैसा ही करना है आगे की तरफ मूव करेंगे चलिए भाई ये वाला काम तो मेरा एकदम बढ़िया तरीके से हो गया मतलब मैंने क्या किया मतलब मैंने फ्रेमिंग दे दिया बस मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा यहाँ पे ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा ये सारे के सारे थ्री डी सीरीज के एलिमेंट है स्कैंडियम टिटानियम वन क्रोमियम मैगनीस आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक एटोमिक नंबर बता दिया ट्वेंटी से स्टार्ट होगा थर्टी पे एंड होगा ये मैंने इतना बता दिया है चलो देखो यहाँ पर क्या करना है सबसे पहली और सबसे काम की बात जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये जो टू है ना ये हमेशा आपको s में डालना है ये याद रखने का अपना तरीका है ठीक है अब यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे वन आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा वन आएगा मतलब कहना मुझे जो है ना वो ये है कि यहाँ पे ट्वेंटी है तो ये जो स्टार्टिंग के नंबर है सब जगह पे देखो टू, टू 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 आ रहा है ये हर जगह पे आप क्या डालेंगे एस में डालेंगे देखो इधर फिर से देखो ये ट्वेंटी वन है तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपको एस में डालना है और सेकेंड नंबर जो है डी में डालना है अब आधे लोग बोलेंगे मैम ऐसा कोई रूल है क्या अरे भाई ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन ये रूल हमने बनाया है इसलिए बनाया है ताकि हमको एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाए देखो मैंने क्या किया यहाँ पर ट्वेंटी था ना तो पहले नंबर का एस में डालेंगे सेकेंड वाला डी में डालेंगे इधर आ जाओ इधर ट्वेंटी टू है दोनों तरफ टू दो है तो डी में भी टू है एस में भी टू आगे मूव करेंगे इधर ट्वेंटी थ्री है पहला नंबर हमेशा काय में डालेंगे एस में तो पहला नंबर टू है तो एस में टू जाएगा सेकेंड नंबर कौन सा है थ्री तो डी में थ्री जाएगा देखते जाओ ध्यान से अब ट्वेंटी फोर पहला नंबर कौन सा है टू तो एस में टू जाएगा सेकेंड नंबर कौन सा है फोर तो डी में फोर आएगा नीचे आ जाओ पहला नंबर कौन सा है टू तो एस में टू जाएगा सेकेंड नंबर कौन सा है फाइव तो डी में फाइव जाएगा आगे मूव करेंगे पहला नंबर टू सेकेंड नंबर सिक्स डी में जाएगा फर्स्ट नंबर टू एस में सेकेंड नंबर सेवन डी में जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग तो यहाँ पे भी कर लेंगे जो लास्ट वाला है उसमें कुछ नहीं करना है ये आपको याद रखना है ऐसा नहीं कि यहाँ पे थ्री है तो मैं थ्री लाऊंगा कभी एस में थ्री इलेक्ट्रॉन आते भी है क्या ठीक है इतना समझ गया ना इतना समझ गया ना बस आपको इतना याद रखना है कितना आसान था कुछ भी नहीं किया रे अभी तक के ये ट्रिक तो मैंने लास्ट वाले क्लास में बता दी थी एटॉमिक नंबर मैंने आपको अभी बता दिया सबको आता है ना 21, 22, 23 ये तो के में ही पढ़ा था अपन लोगों ने 21 से 30 तक के सबको लिखते आता है बस वही वाली चीज़ें अब वो नहीं आता तो अपन कुछ नहीं कर सकते बाबा उसके लिए ठीक है फिर उसके बाद है मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर आर्गॉन लिख दिया कैसे आर्गॉन आया वो भी लास्ट वाले क्लास में एकदम बढ़िया तरीके से समझा के दिया था फिर थ्री डी फोर एस कर दिया अब थ्री सीरीज़ क्यों लिखी क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट थ्री सीरीज़ के लास्ट वाले क्लास में बताया था ना ठीक है फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताई अगर सपोज़ आपको दिख रहा है ट्वेंटी वन तो पहला नंबर जो रहेगा वो हमेशा आपको एस में डालना है पहला नंबर क्या है सब में टू है इसलिए मैंने एस में टू डाला और सेकेंड वाला जो नंबर है जैसे टू थ्री है तो जो थ्री है वो काम में जाएगा डी में सपोज़ टू फाइव है तो पहला नंबर टू एस में गया सेकेंड नंबर फाइव डी में गया ये ऐसा कोई रूल नहीं है ये मेरा ट्रिक है बजरा पढ़ाने का ठीक है समझे या नहीं समझे अब दिमाग में आएगा मैम ये तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है एक्सपेक्टेड मतलब क्या हुआ हमने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए जैसे कि क्या होता है हम लोग कभी कभी सपने में सोचते हैं कि नहीं इस बार तो मैं ट्वेल्थ में पूरे महाराष्ट्र में टॉप करने वाला हूँ यह आपने सोचा यह आपकी एक्सपेक्टेशन थी बट क्या सच में कभी ऐसा होता भी है क्या ऑब्जर्व तो कुछ और ही होता है आप सबको पता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं तो एक्सपेक्टेशन तो हम खूब बड़े बड़े लगाते हैं मैं ये कार लूँगा मर्सिडीज़ लूंगा पी लूंगा होता कुछ और भी है या तो हो सकता है कुछ भी हो तो वो होता जो है वो ऑब्जर्व है और एक्सपेक्टेशन मतलब जो हम लोग दिन में सपने देखते रहते हैं कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा दीज आर योर एक्सपेक्टेशन ठीक है तो चलिए अब मूव करते हैं हम लोग ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ एकदम बढ़िया तरीके से ठीक है भाई अब ऑब्जर्व में क्या करना है ऑब्जर्व में सिर्फ दो ही जगह पे चेंज होंगे पहला चेंज होगा आपका क्रोमियम की तरफ क्रोमियम में चेंजेस होंगे और कॉपर में चेंजेस होंगे बाकी सब में ये कॉन्फिगेशन सेम रहेगा इसीलिए बताएं एग्जामिनर हर साल पेपर में दो तीन साल के आड़ में एक क्वेश्चन पूछता है कि वाई क्रोमियम एंड कॉपर शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन मतलब क्रोमियम मतलब ये सी आर, और कॉपर मतलब ई सी ये दोनों हमेशा सबसे अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्यों दिखाते हैं हर बार ये क्वेश्चन पूछ जाता है हर बार पता नहीं एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्वेश्चन क्यों है बट जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया है कि कॉपर मतलब सी और क्रोमियम मतलब सी हमेशा अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्यों दिखाते हैं तो चलिए देखेंगे हम लोग अब देखो भाई ये दोनों ही अलग दिखाते मतलब बाकी सारे कैसे दिखाने वाले सेम तो बाकी सब में तो वही होने वाला है तो बाकी सबका तो हम लोग देख के लिख सकते हैं ना क्योंकि बाकी सब में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले सिर्फ चेंजेस में होंगे वो हम लोग नहीं दिख रहे ठीक है बाकी सबका तो एज इट इज़ है और जो एज इट इज़ है उसको पूछा जाता है या कभी नहीं पूछा जाता है फिर आप लोग बोलेंगे मैम ये एज इट इज़ है नहीं पूछा जाता तो हमको क्यों पढ़ा रहे क्योंकि अगर ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो क्या आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वाला चैप्टर आएगा क्या नहीं आ पाएगा क्योंकि उसमें इसका यूज़ आने वाला है ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने बस क्रोमियम का मतलब सी आर का और कॉपर का नहीं लिया क्योंकि वो अलग रहने वाला है बाकी सारे सेम थे चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या अलग से अलग होने वाला है आ जाओ भाई यहाँ पर यहाँ पर आप लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया ना वो ये ऑब्ज़र्व किया कि अगर मैं बात करती हूँ एस की ठीक है सपोज़ मैं एस सबसे ले लेती हूँ ठीक है सपोज़ मैंने एस सबसे लिया है एस सप्शल पी सप्शल डी सब्शल और एफ सब्शल देखो लास्ट वाले क्लास में इसके फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी पढ़ाया था ठीक है तो अभी हम लोग बस उसी को देख रहे हैं एस पी डी और एफ़ आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना वो ये है कि यहाँ पे मैं जो ले रही हूँ ना ये है आपका एम टी एम टी को ही हम लोग वैकेंट भी बोलते हैं यहाँ पे मैं आपका ले रही हूँ हाफ फील्ड और यहाँ पे मैं आपका ले रही हूँ कम्प्लीटली फील्ड ये सारे के सारे कैसे रहते हैं ये सारे के सारे आपके बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना वो ये ऑब्जर्व किया वैकेंट वैकेंट मतलब ये एम होता है तो ये तो सब में जीरो आएगा है ना लास्ट वाले क्लास में भी यही डिस्कस किया था अब मैंने आपको बताया था कि एस की कैपेसिटी दो होती है टू प्लस कितना होता है सिक्स सिक्स प्लस कितना होता है टेन टेन प्लस कितना होता है फोर्टीन आप नेक्स्ट करने का है हाफ फील्ड हाफ फील्ड में क्या रहेगा नाम ये हाफ हाफ मतलब क्या होता है आधा आधा मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाई टू टू डिवाइडेड बाई वन टू डिवाइडेड बाई टू वन सिक्स डिवाइडेड बाई टू सिक्स का आधा करो कितना आता है थ्री टेन का आधा कितना आता है फाइव सेवन का आधा कितना आता सॉरी फोर्टीन का आधा कितना आता है सेवन तो चलिए बढ़िया तरीके से हो गया मतलब मैंने क्या किया मैंने रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी जो लास्ट वाले क्लास में आपको बढ़िया तरीके से समझा के दिया था वो फिर से समझा दिया एक बार क्योंकि अभी इसका यूज़ होने वाला है ठीक है तो वैकेंट तो है हाफ फील्ड समझा दिया और कम्प्लीटली फील्ड भी बता दिया चलिए देखते हैं ये जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है यहाँ पे क्या होने वाला है ज़रा ध्यान देना यहाँ पे डी के पास में फोर है और एस के पास में टू है अब ये जो डी है ना क्रोमियम के अंडर में ये बोलेगा मेरे पास में फोर है एस बोलेगा मेरे पास में दो है ये क्या ये फोर स्टेबल है नहीं क्यों स्टेबल नहीं है क्योंकि डी में कौन से कौन से स्टेबल रहते हैं जीरो फाइव और टेन जो डी में होते हैं ना ये स्टेबल होते हैं बट यहाँ पर डी में कितना है फोर क्या फोर नंबर आया नहीं आया तो क्या ये स्टेबल है नहीं बट ये बोलेगा मुझे भी स्टेबल होना है मुझे भी स्टेबल होना है तो कैसे होंगे ये एस को बोलेगा भाई एस प्लीज़ मेरी तेरे से रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे प्लीज़ अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे प्लीज़ अब देखो क्या होगा यहाँ पे पहले फ़ोर थे इस एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ठीक है तो ये कितने हो गए तो ये फ़ाइव हो गए यस और नो पहले यहाँ पे फोर थे ये अनस्टेबल था इसने एस को बोला भाई प्लीज़ मुझे स्टेबल कर दे तो क्या हुआ इस एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया पहले फोर थे अब एक इसने इसको दे दिया तो फोर प्लस वन कितना हुआ फ़ाइव हुआ अब आप लोग मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस पहले ऐस के पास दो थे अब एस ने अपना एक दे दिया तो एस के पास कितने बचे एक बचा ना तो एक आएगा ठीक है अब देखो क्या हुआ यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पहले डी जो था उसमें फोर थे फोर नंबर नहीं आ रहा है डी में मतलब डी अनस्टेबल था और एस में टू था तो एस स्टेबल था क्योंकि एस में टू आता है अब क्या हुआ देखो अब डी में फाइव आ गए तो डी कैसा बन गया डी स्टेबल बन गया डी में फाइव आ रहा है ना वाट अबाउट एस एस में अभी वन आ रहा है और वन भी कैसा है स्टेबल मतलब पहले क्या था पहले सिर्फ और सिर्फ डी ही अनस्टेबल था एस तो पहले भी स्टेबल था उसमें पहले भी दो थे अब क्या हुआ अब डी भी स्टेबल हो गया डी में भी फाइव आ गए और एस जो है ना वो भी स्टेबल हो गया क्योंकि एस में वन भी कैसा होता है स्टेबल होता है हाफ फील्ड होता है समझे या नहीं समझे चलिए भाई आगे की तरफ मूव करेंगे अब यहां पे देखो क्या हुआ यहाँ पे ये डी में नाइन है एस में दो है ये डी बोलेगा बेचारा रोएगा और बोलेगा भाई मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ मेरे डी में सिर्फ और सिर्फ नाइन ही है सिर्फ और सिर्फ नाइन ठीक है तो ये बोलेगा ए प्लीज़ एस प्लीज़ अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ये क्या बोलेगा डी प्लीज़ एस अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे प्लीज़ तो एस बोलेगा ठीक है भाई ले ले ले, ले। तो अब देखो क्या होगा पहले यहाँ पे नाइन थे आप लोग ही मुझे बताओ पहले नाइन थे इस एस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो नाइन प्लस वन कितना होता है टेन होता है तो टेन आ जाएगा आगे बढ़ेंगे भाई अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस पहले एस में दो थे अब एस ने अपना एक दे दिया तो एस के पास कितने बचे एक बचा तो एक बचा अब देखो यहाँ पे आओ पहले डी में नाइन थे तो क्या डी में नाइन आता है नहीं मतलब ये अनस्टेबल है एस में दो थे तो एस में दो स्टेबल था अब देखो क्या हुआ अब डी में टेन आ गए डी में टेन कैसा होता है स्टेबल होता है डी में टेन कैसा होता है स्टेबल होता है और एस को देखो एस में कितने आए वन आए एस में वन भी कैसा होता है स्टेबल होता है तो पहले सिर्फ एस ही स्टेबल था अब क्या हुआ अब डी भी स्टेबल हो गया एस भी स्टेबल हो गया डी में भी टेन आ गए एस में वन आ गया फिर भी वो स्टेबल ही है हाफ फेल्ड है ना तो इसका मतलब क्या हुआ एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सभी एलिमेंट्स के लिए सेम है लेकिन लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं वही आपको डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन शो करते हैं सेकेंड पॉइंट होता ज़्यादा कुछ नहीं है होता ज़्यादा कुछ नहीं है बस इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल के इधर लिख देते कॉम खत्म बस इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल के इधर लिख देते रीज़न क्या बताए पहले सिर्फ एस ही स्टेबल था अब क्या हुआ अब दोनों के दोनों स्टेबल बन गए डी बी स्टेबल बन गया एस भी स्टेबल बन गया क्योंकि एस में भी तो वन स्टेबल होता है ना अब क्या हुआ दोनों के दोनों स्टेबल बन गए डी बी स्टेबल हो गया और एस भी क्या हो गया स्टेबल हो गया तो ये रहा भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ऑफ थ्री डी सीरीज एलिमेंट एक और बात आधे लोग बोले कि मैम हमको फोर डी और फाइव डी तो आपने पढ़ा है नहीं तो सुनो भाई फोर डी और फाइव डी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्वेल्थ सिलेबस ट्वेल्थ के सिलेबस का वो पार्ट नहीं है एंट्रेंस इसमें भी फोर डी सीरीज़ और फाइव डी सीरीज़ से क्वेश्चन नहीं आते वो बी एस सी एम एस सी लेवल पर पढ़ा जा, पढ़ाया जाता है हमको वो था एम एस सी लेवल में फोर डी और फाइव डी सीरीज़ वगैरह और सिक्स डी भी था लेकिन आप लोगों को इतना कुछ भी नहीं है तो जितना है उतना ही पढ़ेंगे ना ज़्यादा पढ़ने के क्या मतलब जितना है उतना ही पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो ऐसा पढ़ना चाहिए कि सब कुछ आए अगर वो क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे सारे के सारे चलो भाई लो इसका स्क्रीनशॉट चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी इस चीज़ को समझ लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे टाइप का आ सकता है क्योंकि अगर हमको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है तो एकदम बढ़िया तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन बन सकता है तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार जल्दी से एकदम फास्ट तो क्वेश्चन जो है ना आपका क्वेश्चन वो ये है कि वाई क्रोमियम मतलब सी आर जिसका एटोमिक नंबर है ट्वेंटी एंड कॉपर मतलब ही सी यू जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो है ट्वेंटी नाइन शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सो शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ये आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है ये लोग क्यों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन दिखाते हैं तो रीज़न तो अभी हम लोगों ने देख लिया सिर्फ उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में देख लेते हैं ठीक है तो पहले जो आपको आपको क्या लिखना है आपको यहाँ पे सबसे पहले क्रोमियम को लिखना है मतलब इस सी को लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर है 24 उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ठीक है उसके बाद में आप लोग लिखेंगे ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ठीक है फिर उसके बाद में आप लोग क्या लिखेंगे कॉपर को लिखेंगे उसका एटोमिक नंबर लिखेंगे उसमें भी वही दोनों चीज़ लिखना है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और इसमें भी आपको वो लिखना है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन ये दोनों लिखने का है ठीक है अब एक्सपेक्टेड में क्या आएगा ये चीज तो आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि अभी हम लोगों ने देखा कि आर्गोन तो आपको सब में लिखना है ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया ठीक है फिर आपको ये भी पता है कि थ्री डी फोर एस थ्री डी फोर एस थ्री डी फोर एस यहाँ पर भी वही आएगा ठीक है फिर अभी हम लोगों ने और क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी पहला नंबर रहता है वो काय में जाता है वो हमेशा एस में जाता है तो यहाँ पे टू आएगा सेकेंड नंबर कौन सा है फोर सेकेंड नंबर इसमें जाएगा यहाँ पे भी वैसे ही होगा पहला नंबर काय में जाएगा एस में जाएगा और सेकेंड नंबर काय में जाएगा डी में जाएगा ठीक है फिर मैंने आपको क्या बताया होता क्या है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाता है तो यहाँ पे फाइव बन जाता है और यहाँ पे वन रह जाता है अभी देखा था इसको यहाँ से एक इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ पे टेन बन जाएगा यहाँ पे बन रह जाएगा अभी देखा था ठीक है और मैंने डिटेल में पढ़ा भी दिया अब मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया मैंने यहाँ पर यह ऑब्जर्व किया इन केस ऑफ क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर ट्वेंटी फोर है ठीक है इन दी ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो भी आपका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है ना क्रोमियम के केस में वहाँ पर जो भी आपका डी है ना हैव हाफ फील्ड डी सबसे हाफ फील्ड मतलब डी की पावर फाइव हाफ फील्ड डी सबशेल विच इज वेरी स्टेबल ठीक है तो इसका रीजन आपको देना है ऐसा नहीं कि इसे एक कॉन्फिगेशन देने से मार्क मिल जाएंगे आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप लोग कैसे बताएंगे कि जो भी आपका क्रोमियम है उसमें डी का कैसा है हाफ फील्ड है हाफ फील्ड है ना वो देखो डी फाइव कैसा है भाई हाफ फील्ड है कैसा है हाफ फील्ड है इसलिए वो कैसा होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है फिर नीचे आ गए नीचे में आप लोग क्या रीज़न देंगे भाई नीचे में आप लोग क्या रीजन देंगे इन केस ऑफ कॉपर इन केस ऑफ कॉपर एटोमिक नंबर ट्वेंटी नाइन इन द ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो भी आपका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है हैव फुली फील्ड हैव फुली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड कंप्लीटली फील्ड भी लिख सकते हो क्योंकि फुली का ही मतलब कंप्लीटली फिल्ड होता है डी सब्शेल कौन सा है भाई डी टेन सो इट इज वेरी स्टेबल इसलिए ये भी कैसा होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है देखो यहाँ पर डी में टेन आ गए डी में टेन भी कैसा होता है स्टेबल होता है मतलब ये ऐसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है लेकिन इसमें आप भी पता कुछ करने लायक है क्या कुछ भी नहीं करना है समझे या नहीं समझे लो स्क्रीन इसका चलिए भाई अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और नेक्स्ट पार्ट जो है ना आपका वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थ्री सीरीज एलिमेंट अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वैसे तो टोटल तो तीन टाइप की सीरीज है थ्री सीरीज फोर सीरीज और फाइव सीरीज लेकिन हम लोग ट्वेल्थ के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्री सीरीज ही है अब आप लोग ही मुझे बताओ कि थ्री सीरीज का ही हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूशन अभी डिस्कस किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसके डिस्कस करना पड़ेगा सिर्फ और थ्री सीरीज के फोर सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिस्कस नहीं कर सकते ना भाई क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन से स्टडी किया जाता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से स्टडी करोगे तो थ्री सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन अभी स्टडी किया तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसका स्टडी करने वाले हैं थ्री सीरीज का तो चलिए देखते हैं फटाफट से एकदम बढ़िया ट्रिक के साथ समझते हैं इस कंसेप्ट को जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थ्री सीरीज एलिमेंट देखते हैं भाई देखते हैं चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थ्री सीरीज एलिमेंट थ्री सीरीज एलिमेंट का हम लोग बढ़िया तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने यहां पे जो ऑब्जर्व किया ना वो ये ऑब्जर्व किया सबसे पहला पॉइंट लॉस ऑफ थ्री डी एंड फोर एस इलेक्ट्रॉन लीड्स टू दमेशन ऑफ लीड्स टू दमेशन ऑफ आय मतलब इसका कहना ये है कि जब भी आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है थ्री डी से और फोर एस से ठीक है तो आपके आयन का फॉर्मेशन होता है लॉस ऑफ थ्री डी एंड फोरेस इलेक्ट्रॉन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आयन्स आयन्स यहाँ से फॉर्म होते हैं मुझे पता है ये वाली चीज़ समझने में थोड़ा सा ये है लेकिन अभी जब बढ़िया तरीके से समझेंगे ना तो बहुत मजा आएगा सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है उस पर देखो लॉस ऑफ थ्री डी एंड फोरेस इलेक्ट्रॉन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वॉट आयन्स चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग कराएंगे लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर एस 4s फोर एस से हम लोग सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाले ठीक है फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोर एस फिर दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे फोर एस से उसके बाद में हमको देखना है लॉस ऑफ थ्री electrons. ठीक है फ्रॉम 4s एंड थ्री डी फिर हम लोगों को देखना है लॉस ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s एंड थ्री डी इतनी चीजें हम लोगों को अभी डिस्कस करना है बिलीव मी ये डिस्कस करने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपका कंसेप्ट हो गया है क्लियर ठीक है यहां पे क्या बोल रखा है लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोरसल इसका कहना देखो क्या है इसका कहना ये है कि सपोज मैंने यहां पे कोई भी एक मेटल लिया है ठीक है सबसे पहले मैंने यहां पे कोई भी एक मेटल लिया अब इस मेटल से यहां पे कुछ ना कुछ मेटल बनने वाला है यहां पे भी वैसे किया हम्म देखो यहां पे क्या बोल रखा है यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना तो आप ही लोग मुझे बताओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो मेटल के ऊपर कितना चार्ज आएगा प्लस वन आएगा प्लस टू आएगा या प्लस थ्री आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना तो मेटल के ऊपर में प्लस वन चार्ज आता है मेटल के ऊपर में प्लस वन चार्ज आता है ठीक है ये बन गया आपके मेटल का प्लस वन वाला आयन फिर आप लोगों ने क्या देखा अगर दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना अगर दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना अगर दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए ना तो मेटल के ऊपर कितना चार्ज आएगा जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो प्लस वन चार्ज आया सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस जब दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कितना चार्ज आएगा भाई प्लस टू चार्ज आएगा थ्री इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो जाए थ्री का तो चार्ज कितना आएगा प्लस थ्री अगर फोर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो प्लस फोर अगर फाइव इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो प्लस फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो प्लस सिक्स और अगर सेवन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो चार्ज कितना आएगा प्लस सेवन समझे या नहीं समझे चलिए भाई मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ अब मुझे पता है आप लोग को कन्फ्यूजन ही आ रहा होगा ठीक है ठीक है मैम ये तो सब समझ गया बहुत ही आसान था एक का लॉस होगा तो प्लस वन दो का होगा तो प्लस टू थ्री का होगा तो प्लस थ्री फोर का होगा तो प्लस फोर चार जाएगा हमको आप ये बताओ कि कभी यहाँ पे आपने फोर एस लिखा है कभी थ्री डी लिखा है चक्कर क्या चल रहा है समझो भाई समझो इस पार्ट को ये पार्ट आपका ये कहता है जब भी हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना तो हम लोग कुछ इस फैशन में लिखते हैं 3D और 4S, ठीक है और आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्टली जो भी आपका फर्स्टली जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लॉस्ट होते हैं फ्रॉम फोरेस्ट सबशेल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस फोरेस्ट सबशेल से होता है देन थ्री डी सप्शेल समझे या नहीं समझे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस फोरेस से होता है बाद में ही थ्री से होता है ऐसा क्यों क्योंकि जो फोरेस होता है उसकी एनर्जी लेस होती है देन थ्री ठीक है फोरेस सप्शल की जो एनर्जी होती है वो थ्री डी से बहुत कम होती है और उसी रीज़न के वजह से हम लोग सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं फोर से निकालते हैं उसी के बाद में थ्री से निकालने का सारे के सारे कसम खाओ अगर आपको ये पॉइंट नहीं पता तो आप चैप्टर नंबर नाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं पढ़ सकते उस पार्ट में जितना भी क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन का सी का वो सारे क्वेश्चन यही इसी पॉइंट से सॉल्व होते अब आप लोग ही मुझे बताओ अगर मैं चैप्टर नंबर नाइन को डायरेक्टली पढ़ा दूँती थी तो ये पॉइंट कवर ही नहीं होता था ऐसे बहुत सारे पॉइंट इस चैप्टर के कवर ही नहीं होते थे तो वहां पे क्या होता था हमारा कंसेप्ट ही नहीं समझ पाते थे आप लोग समझ रहे हो ना तो आपको याद रखना है कि फोरेस सबशेल की एनर्जी कम होती है थ्री डी सप्शल से उसी का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन से सबशेल से निकालेंगे कसम खाओ सारे के सारे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग फोरेस सबशेल से निकालेंगे जब फोरेस्ट सबशेल के इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ से निकालेंगे थ्री डी सप्शल से अब कब खत्म होंगे सबको पता है भाई कि फॉरेस्ट ऑप्शन में दो इलेक्ट्रॉन जाते एक पहला इलेक्ट्रॉन निकला एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला अब तीसरा तो थ्री से ही निकलेगा ना भाई फोरेस्ट से कहाँ से निकलेगा फॉरेस्ट में तो दो ही इलेक्ट्रॉन जाते अभी देखा था ना ट्वेंटी वन समझे या नहीं समझे चलो भाई ये तो हो गया समझा सबको याद रखना इस स्टेटमेंट को फोरेस्ट की एनर्जी कम होती बार बार बताऊंगी बहुत काम की चीज़ें थ्री डी से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा फोरेस्ट से निकालेंगे बाद में ही थ्री से निकालने का ठीक है अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस वन दो निकलते हैं तो प्लस टू थ्री निकलते हैं तो प्लस थ्री अब यहाँ पे ये थ्री कैसे होंगे दो एस से निकलेंगे एक डी से निकलेगा तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा अब यहाँ पे फोर कैसे लॉस होंगे यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन कैसे लॉस होंगे भाई दो एस से निकलेंगे दो डी से निकलेंगे लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीन शॉट अब बुक में इस चीज़ को थेरी थेरोटिकल फॉर्म में दे रखा है थेरोटिकल फॉर्म में पढ़ना कितना जान पे आता है ये देखो कितना सिस्टमैटिक लग रहा है लो स्क्रीन चलिए भाई अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थ्री सीरीज एलिमेंट चलिए देखते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट की बिना एकदम बढ़िया तरीके से अब आप लोग बोलेंगे मैम ये तो अभी पढ़ा है ये तो क्या वही था ना अरे भाई ये तो आप लोगों ने उसकी डिटेल्स पढ़ी उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी कि कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आती है लेकिन आपने ये थोड़ी देखा कि कौन सा एलिमेंट कौन सी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो भी तो आना चाहिए ना वहाँ से एम टाइप का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को एंट्रेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अगर आपका ये कंसेप्ट अभी हो जाता है तो चलिए देखते हैं चलिए तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखूंगी तो सबसे पहला एलिमेंट है आपका स्कैंडियम एक बार लिख लेते हैं इसको तो मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स एकदम बढ़िया तरीके से लिख लिए यस yes, लिख लिया एकदम बढ़िया तरीके से भाई चलिए भाई देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट को किसको देखेंगे भाई हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग सारे के सारे देखने वाले हैं कड़ाकेदार तरीके से अब कहना मुझे ये है अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करवाना है तो उससे पहले मुझे यहाँ पे भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला लिखना पड़ेगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा ये ऑब्जर्व वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं ठीक है चलिए देखते हैं भाई इसको देखेंगे सारे के सारे जल्दी से यहाँ पे आपको बोल रखा है सबसे पहले स्कैंडियम तो बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सबसे पहले हर जगह पे 3d 4s तो लिखना ही है हर जगह पे 3d 4s को लिख देंगे बस बढ़िया तरीके से और ये अभी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था भाई और मैंने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किए बिना हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकता फिर आपको ये भी पता है कि हर स, हर किसी के सामने में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं आर्गोन को लिखते हैं तो बस वो लिख देंगे देखो ये अगर नहीं लिखा ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हो जाएगा थ्री डी फोर लिखने से अपना काम नहीं होने वाला ये बात सबको बेस्ट तरीके से याद रखने की है चलो आ जाएंगे यहाँ पे फिर इनका ऑटोमेट नंबर लिख देंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन और थर्टी चलो भाई आगे की तरफ मूव करेंगे आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना ना वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर टू आएगा हर जगह पर यहाँ पर टू टू डाल देंगे ठीक है फिर आपको पता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर अभी मैंने क्या बताया कि ये जो है ये ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है ये जो है ये ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है और ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन में दो जगह चेंजेस होते हैं क्रोमियम और कॉपर में अभी देखा था क्रोमियम में क्या होगा यहाँ से किधर जाएगा तो यहाँ पे फाइव रहेगा और यहाँ पे वन रहेगा और कॉपर में भी वही होगा यहाँ से किधर जाएगा तो यहाँ पे टेन रहेगा और यहाँ पे वन रहेगा हो गया अपना काम चलो आ जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे देखो आपको कैसे करने का है सबसे पहले आप क्या करोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये यह देखना है कि यहाँ पे आपको लिखना है प्लस टू और प्लस थ्री ठीक है प्लस टू और प्लस थ्री यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एक बार मैं अपने ट्रिक से समझा के देती हूँ फिर मैं आपको कंसेप्ट भी समझा दूंगी ठीक है तो चलिए एक बार ट्रिक से समझते हैं सबसे पहले आपको प्लस टू और प्लस थ्री लिखना है ठीक है फिर आप क्या लिखेंगे प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर मतलब आपने एक स्टेप में क्या किया प्लस फोर को ऐड किया अब और आगे बढ़ेंगे प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव देखो हम लोग देखो ज़रा कैसे क्या हम लोग करते जा रहे हैं थोड़ा सा आपको ये वाली चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से करते जा रहे हैं थोड़ा सा बस यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो करना कुछ भी नहीं है पहले प्लस टू प्लस थ्री लिया rat... थ्री के बाद में क्या आता है फोर फोर के बाद में क्या आता है फाइव अब फाइव के बाद में क्या आता है भाई वो तो सभी को पता है फाइव के बाद में क्या आता है सिक्स आता है ठीक है सिक्स के बाद में क्या आता है भाई सेवन आता है सिक्स के बाद में क्या आता है सेवन आता है अब आपको बस इतना याद रखना है कि एक बार आपने सेवन तक बनाया ना एक बार आपने सेवन तक बनाया ना उसके बाद में आपको कम कम करते जाना है उसके बाद में क्या करते जाना है कम कम करते जाना है कम कम करते जाना है देखो कैसे कम करेंगे अब यहाँ से सेवन को हटा दो तो फिर क्या बचेगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स अब सिक्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव फिर फाइव को हटा देंगे तो क्या बचेगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर फिर क्या करेंगे फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा प्लस वन और प्लस टू आता है और लास्ट में प्लस टू ही आता है ये मैं समझा के देती हूँ कैसे क्या आएगा सबसे पहले यहाँ पे बस इतना समझ लो भाई आप लोग सारे के सारे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बुक से देख के आप लोगों को छाप के बताऊंगी फिर आप लोगों को रट्टा मारने के लिए बोलूंगी बट रट्टाफिकेशन वाली टेक्निक अपने सिस्टम में है ही नहीं अपने सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है क्या ट्रिक्स सारे के सारे अरे भाई ये देख के किसको किसको काजू कतली मिठाई की याद आ रही है मुए मेरी तो जान है काजू कतली आई लव काजू कतली लाइक एनी थिंग वाव वॉट अ काजू कतली तो भाई ये काजू कतली तो है देखो भाई सारे के सारे किसको किसको ये डिज़ाइन देख के बस काजू कतली के लिए पानी छूट रहा है मुंह में मेरे तो मुँह में बहुत ज़्यादा पानी छूट रहा है क्योंकि काजू कतली मैंने सुन लिया है पागल हो जाती हूँ जब मैं काजू कतली सुन लेती हूँ तो तो भाई देखो ये काजू कतली जैसा ही तो है कुछ नया थोड़ी किया मैंने काजू कतली तो ड्रॉ की ना भाई मेरी फेवरेट मिठाई तो ड्रा की ना अब देखो क्या करना है भाई अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैम हमारे तो रसगुल्ले फेवरेट है अरे रसगुल्ले फेवरेट होंगे बट अब से आप लोग काजू कतली फेवरेट कर लो क्योंकि ये करने का है ना अपन को चलो ठीक है क्या करने का प्लस टू प्लस थ्री से स्टार्ट करने का अब काजू कतली इस तरीके से बढ़ती है फिर कम होती है बस वही तो चीज़ है काजू कतली ही तो है ये थ्री के बाद में क्या करेंगे फोर फोर के बाद में क्या करेंगे फाइव फाइव, फाइव के बाद में क्या करेंगे सिक्स और सिक्स के बाद में क्या करेंगे सेवन याद रखना काजू कतली बस यहाँ तक बढ़ती है फिर काजू कतली कम कम पता है ना देखा है ना काजू कतली को सबने सबने देखा है अब सेवन के बाद में एक एक कम करते जाएंगे फिर 6 ही बचेगा को कम करेंगे तो फाइव फाइव को कम करेंगे तो फोर फिर फोर को यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आता है वो मैं समझा के देती हूँ और ये प्लस टू ठीक है समझे या नहीं समझे ये तो अपना ट्रिक के हिसाब से हुआ इस ट्रिक का नाम क्या है अंकिताज फेवरेट काजू कतली ट्रिक क्या नाम है अंकिताज फेवरेट काजू कतली ट्रिक समझे या नहीं समझे चलो अब सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आप लोगों ने दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि मैम ये प्लस टू प्लस थ्री क्यों आया उसको भी तो समझना है भाई ट्रिक तो होगा आप कंसेप्ट को समझते हैं देखो भाई सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन डी से लॉस होगा दो इलेक्ट्रॉन डी से लॉस होंगे दो लॉस होंगे ठीक है सॉरी दो इलेक्ट्रॉन एस से लॉस होंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि थ्री डी और फोर एस दो सबशेल होते हैं फोर एस की एनर्जी कम होती है इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है फोर एस सब्सल से निकलता है इसमें दो है इसलिए चार्ज भी कितना आया प्लस टू अब टू प्लस वन कितना होता है थ्री होता है इसलिए प्लस थ्री समझा कैसे आया देखो टू यहां से निकलेगा तो प्लस टू अब यहाँ पे टू है यहाँ पे वन है टू प्लस वन कितना होता है थ्री तो प्लस थ्री भी आएगा नीचे बढ़ेंगे ऐसम कितना है टू कितना आया प्लस टू टू प्लस टू कितना होता है फोर तो फोर भी आएगा टू और फोर के बीच में थ्री भी आता है तो थ्री भी आएगा ना बस वैसे करते जाना है देखो यहाँ पे आएंगे यहाँ पे है टू और थ्री एस में कितना है टू इसलिए प्लस टू आया टू प्लस थ्री कितना होता है फाइव होता है टू प्लस थ्री कितना होता है टू प्लस थ्री कितना होता है भाई आपका फाइव होता है तो देखा आपने अभी देखा भाई टू प्लस थ्री कितना होता है फाइव होता है इसलिए फाइव आया तो बस आपको ऐसे देखते चलना है जैसे एस में दो है तो टू टू प्लस थ्री कितना होता है टू प्लस वन थ्री नीचे आएंगे यहाँ पे टू है तो टू टू प्लस टू कितना होता है फोर इसलिए फोर लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री देख के निकाल लेना बीच की बाउंड्री तो आपको ही भरना है आगे जाएंगे यहाँ पे टू है और थ्री है तो पहला टू से स्टार्ट होगा टू प्लस थ्री कितना होता है फाइव बीच में जो आता है वो लिख देना इधर आएंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा फाइव प्लस वन कितना होता है सिक्स होता है लोअर बाउंड्री मिल गई बीच के सारे नंबर आप लोग भर सकते हो ठीक है यहाँ पे देखो कैसे आएगा यहाँ पे टू है मतलब प्लस टू से स्टार्टिंग हुई टू प्लस फाइव कितना होता है सेवन होता है आप समझ में आए ना कि सिर्फ काजू कतले तो मैंने आपको ट्रिक बताई लेकिन देखो मैं आपको कंसेप्ट भी बता रही हूँ भाई कंसेप्ट भी बता रही हूँ कंसेप्ट भी बताया बता मैंने कि सेवन ही क्यों आया ये टू तो यहाँ से आया टू प्लस फाइव कितना होता है सेवन होता है इसलिए सेवन आए बीच के सारे बंदरों को भर देने का समझे या नहीं समझे भाई समझे या नहीं समझे ये आपको काजू कतली वाले ट्रिक से ही याद रखना पड़ेगा समझे या नहीं समझे लास्ट का देखो इधर दिमाग में क्वेश्चन आया था कि मैम यहाँ पे ये प्लस वन और प्लस टू कैसे आया देखो भाई इधर यहाँ पे एस में कितना है वन है कितना है भाई वन है इसलिए यहाँ पे भी वन आया ठीक है फिर आप लोगों ने क्या देखा फिर आप लोगों ने क्या देखा अभी ये वन आया और थोड़ी देर पहले आप लोगों ने ये भी देखा था कि इसी के जैसा एक एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यशन भी था और एक्सपेक्टेड में क्या था थ्री डी नाइन फोर एस टू देखो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन में क्या है थ्री डी टेन फोर एस वन क्या है भाई ऑब्जर्व में थ्री डी टेन फोर एस वन है ना फोर एस वन है ना इसलिए यहाँ पे वन आया अब टू कहाँ से आया तो अब एक्सपेक्टेड वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन में क्या था थ्री डी नाइन फोर एस टू देखा था ना हम लोगों ने एक्सपेक्टेड फोर एस टू था इसलिए वो टू इधर आया समझे या नहीं समझे और यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे तो ऐस में दो ही है इसलिए दो ही आएंगे ये टाइम क्यों नहीं आएगा अरे भाई ये तो कम्पलीटली फील्ड है ना कभी कम्प्लीटली फील्ड जो होते हैं क्या वो ऑक्सीडेशन स्टेट में आते भी है क्या कभी नहीं आते सिर्फ और सिर्फ यही आएंगे यहाँ पे तो टू है तो यहाँ पे टू ही आएगा यहाँ पे वन और टू कैसे आया समझा ये वन आपका ऑब्जर्व से आया एक्सपेक्टेड से प्लस टू आएगा और ये तो कम्प्लीटली फील्ड है ना भाई लो स्क्रीन इसका काजू कतली को बस याद कर लो सब कुछ हो जाएगा भाई काजू कतली काजू कतली लो स्क्रीन अब एक एम टाइप का क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है बहुत बार वो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है तो चलिए देखते हैं हम लोग वो वाले एम टाइप के क्वेश्चन को चलिए भाई देखते एम सी टाइप के क्वेश्चन को अब आप लोग बोलेंगे मैम आप लोग एम टाइप के क्वेश्चन क्यों बता रहे क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आ चुके आ चुके ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन सुनो द एलिमेंट द एलिमेंट वीच शोज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट द एलिमेंट विच शोज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहला तो आपको ये क्वेश्चन पूछ रखा है ये क्वेश्चन सारे एम सी क्यू में आ चुके हैं सेकेंड एम सी क्यू का क्वेश्चन सुनो द ओनली एलिमेंट द ओनली एलिमेंट विच शोज प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन थ्री डी सीरीज ऐसा कौन सा एलिमेंट है ठीक है फिर आपको पूछा जा सकता है द ओनली एलिमेंट इन थ्री डी सीरीज विश शोज प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आए हैं आने के चांसेस है इसलिए मैं बता रही हूं अगर एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है तो ये क्वेश्चन हंड्रेड एंड वन प्लस आएगा मैं लिख के देती हूँ देखो भाई इसलिए तो काजू कतली वाली ट्रिक पढ़ाई ना क्योंकि काम आने वाला है उसका देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है आपको आप लोग भी देख लो, लो काजू कतली को देख के समझ में आ जाता है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कौन दिखाने वाला है काजू कतली को देख के बता दो तो सबसे ज़्यादा कौन दिखाने वाला है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैगनीज दिखाने वाला है जो भी आपका मैगनीज वाला एलिमेंट है ना मतलब जो आपका एम है वो आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा समझे या नहीं समझे समझे या नहीं समझे भाई देखो सबसे ज़्यादा मैगनेस दिखा रहा है काजू कतली को देख के समझ में आ जाता है काजू कतली देखा ना तो देख के समझ में आता है कि ये वाले जो रहेंगे ना ये सबसे ज़्यादा दिखाएंगे ठीक है फिर आपको पूछ रखा है कि क्या ऐसा कौन सा एक ही एलिमेंट है थ्री सीरीज एलिमेंट में जो प्लस वन दिखाता है तो देखो भाई प्लस वन सिर्फ और सिर्फ किसके केस में आया था सिर्फ और सिर्फ आपका जो कॉपर होता है ना वही आपको प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है हो गया एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ये भी कवर अगर मैं ये नहीं कराऊंगी आगे बढ़ जाऊंगी तो देखो भाई ये आ गया तो कैसा हो जाएगा है ना अब नेक्स्ट आपको बोल रखा है द ओनली एलिमेंट इन थ्री सीरीज विच शोज प्लस वन प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन आपको किसने दिखाया था सिर्फ और सिर्फ आपका जो मैगनीज होता है वही तो आपको प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना तो याद रखना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैगनीज दिखाता है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री डी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ कॉपर दिखाता है और प्लस सेवन कौन दिखाता है मैग्नीज़ अगर पेपर में आ गया आएगा आएगा हंड्रेड वन हंड्रेड एंड वन परसेंट आएगा मैं गारंटी देती हूँ लिखेंगे करके आएंगे सारे के सारे चलो भाई स्क्रीन चलिए भाई अब हम लोग मूव करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट मतलब ही थ्री सीरीज एलिमेंट की तरफ तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी वाले पार्ट को एकदम बढ़िया तरीके से चलिए देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखने वाले हैं ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज में भी हम लोग देखने वाले हैं थ्री सीरीज को और आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि थ्री सीरीज़ को ही हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ या फ़र्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स भी बोलेंगे ठीक है याद रखना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखने वाले हैं लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए कि थ्री सीरीज़ को ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट बोला जाता है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता और पेपर में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ आ गया तो आप लोग फंस जाएंगे जिनको ये पता रहेगा कि इसका नाम ये है वही लोग कर पाएंगे भाई ठीक है आगे बढ़ेंगे देखो फर्स्ट पॉइंट आपका जो कहता है कि जो भी आपके थ्री सीरीज एलिमेंट है थ्री सीरीज जो भी आपके एलिमेंट है मतलब जो भी आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है आर ट्रांजिशन मेटल्स वो आपके मेटल्स की तरह है मेटल्स सो दे शो सो दे शोज़ मेटल लाइक प्रॉपर्टीज़ मतलब कहना मुझे जो है वो ये है कि थ्री डी सीरीज़ के सारे के सारे एलिमेंट्स आपके मेटल है और अगर वो मेटल है तो वो किसकी जैसी प्रॉपर्टी दिखाने वाले है ऑफ़कोर्स भाई मेटल के जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे अब मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है जो भी आपके मेटल होते हैं मतलब जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो आपको कौन से कौन से प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो आपको लश्रस लश्चरस होते हैं वो लश्चरस मतलब ही वो आपको शाइनिंग दिखाते देखा है ना भाई मेटल कैसे चमकते एकदम सोना चांदी देखो कैसे चमकते फिर आप लोगों ने क्या देखा ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होते हैं ठीक है ठीके? फिर आप लोगों ने और क्या देखा भाई मैलिएबल होते हैं है ना मैलिएबल मतलब उसको प्लेट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं उसी के साथ में वो डकटाइल होते हैं मतलब उन्हीं को हम लोग वायर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं उसी के साथ में और कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं भाई वो वो आपके अलॉय भी तो फॉर्म करते हैं सारे के सारे मेटल क्या कर फॉर्म करते हैं अलॉयस को भी फॉर्म करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांजिशन मेटल भी दिखाने वाले क्यों दिखाएंगे क्योंकि ये एलिमेंट मेटल के जैसे है अगर ये एलिमेंट मेटल के जैसे है तो प्रॉपर्टी भी किसके जैसे दिखाएंगे ऑफकोर्स मेटल जैसी चलिए भाई आगे मूव करेंगे आगे का पार्ट आपका ये कहता है कि दे आर गुड कंडक्टर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे के सारे बहुत अच्छे कंडक्टर है क्यों क्योंकि मेटल है आगे बढ़ेंगे आगे आप लोगों ने क्या देखा दे हैव वेरी हाई दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना उनका जो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना वो कैसा है भाई वो बहुत ज़्यादा हाई है क्यों क्योंकि वो मेटल जैसे है मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है ये सारी प्रॉपर्टी दिखाते हैं शाइनिंग अलॉय हार्ड इसीलिए ट्रांजिशन मेटल भी वो दिखाएंगे क्योंकि वो भी तो मेटल है लो भाई सारे के सारे स्क्रीन अब देखो बुक में थेरी दे रखिए मैंने उसको कितने परफेक्टली लिखा ये ऐसा देख के फटक समझ में आता है इसलिए स्क्रीन लो चलिए भाई तो अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ये थ्री डी सीरीज एलिमेंट जो है मतलब ये आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट जो है उनमें हम लोग देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन वेरियस एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को अब ये ट्रेंड्स को पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है क्योंकि ये ट्रेंड ऐसे है कि अगर एक प्रॉपर्टी स्टार्ट की ना तो लास्ट तक के सारी प्रॉपर्टी को पहले पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं कर सकते कि पहले दो प्रॉपर्टी को पढ़ लिया फिर तीन चार प्रॉपर्टी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ लिया ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा लिंक है इनके बीच में एक लिंकेज है तो मैं आपको एक पहले चार्ट बना के दे देती हूँ एक चार्ट बनाने से एक आइडिया मिल जाएगा क्लियर कट कि हमको कौन सी कौन सी प्रॉपर्टी देखना है उसके बाद तो हम लोग साइड बाय साइड एकदम बढ़िया तरीके से देख सकते हैं तो चलिए भाई देख लेते हैं इस पार्ट को तो अब हम लोग देख रहे हैं आपका ट्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को कि कौन सी कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टीज हमको एक साथ में नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़नी है एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स ट्रेंड फॉर थ्री डी सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट ठीक है तो हम लोग को क्या देखना है एटोमिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स ट्रेंड फॉर थ्री डी सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट चलिए देखते हैं ये जो प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना है एक बार हम लोग उसका इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ना है वो है एटोमिक एंड आयोनिक रेडाइ एटोमिक और आयोनिक रेडाई को हमको पढ़ना है ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपकी है सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपकी रहेगी इसके बाद में वो रहेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ठीक है थर्ड प्रॉपर्टी जो आपकी रहेगी वो रहेगी मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर को हमको पढ़ना है फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपकी रहेगी वो रहेगी कलर आगे पीछे हो सकता है उससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन परफेक्शन आना चाहिए एक रहेगा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक रहेगा भाई आपका कैटालिटिक प्रॉपर्टी ठीक है तो ऐसे टोटल आपकी सिक्स प्रॉपर्टीज़ है जो हमको डिस्कस करना है ये सारी की सारी आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, आती है थ्री सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के ठीक है आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है ये प्रॉपर्टी को तो हमको पढ़ना ही है साइड बाय साइड हमको ये भी बताना है कि इनका ट्रेंड कैसा रहेगा बढ़ रहा है कम हो रहा है क्यों हो रहा है रीज़न क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है ये सब देखने का है अब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि दो प्रॉपर्टी को अभी पढ़ा दी और बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाले क्लास में क्योंकि इनके बीच में एक लिंकेज है इसके बिना ये नहीं पढ़ा जा सकता इसके बिना ये नहीं पढ़ा जा सकता है ठीक है थीके? तो चलिए भाई यहाँ पे हम लोग अभी स्टॉप करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये चार्ट को देखने से हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है कौन सी कौन सी प्रॉपर्टी इस आती है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं स्पेशली जो क्वेश्चन आता है वो कलर से आता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से होता है और कभी कभी एटोमिक और आयनिक आइनिक्रेडा से आता है ये तीन जगह से क्वेश्चन आता है ठीक है लो स्क्रीन शॉट चलिए भाई तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है भाई इतने बढ़िया वीडियो के लिए आगे और भी तो लेक्चर्स लेके आने हैं ना चलिए चलिए बाय बाय टिल देन